गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग साउंड ऑफ ए जो हम लोग कल की डेट में पढ़े थे और लिखे थे उसी साउंड ऑफ ए को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग जो है, चूँकि हम लोगों का एग्ज़ाम भी, हम ये बात आपको पहले ही बताए थे कि हम लोगों का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में हमारा जो पोर्शन है वो कैपिटल स्मॉल लेटर है, अल्फ़ाबेट पूरा का पूरा, और उसके साथ उसके अंदर जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं जैसे आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, फिलिंग द ब्लैंक्स, सर्किल द फर्स्ट लेटर, मैथ चीट, ये सारी चीज़ें। तो हमने आपको ये रिवीजन तो पूरा कंप्लीट करा दिया है, इसलिए हम आपको जो है अब आगे पढ़ा रहे थे। और हम आपको ये भी बताए थे कि इन सब स्मॉल और कैपिटल, यानी कि जो हमारा अल्फ़ाबेट वाला ये जो चैप्टर था, चैप्टर वन, इसके बाद का हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है चैप्टर टू ए एंड एन, जिसको हम लोग तभी कंटिन्यू कर सकते हैं जब हम लोगों का पूरा जो है साउंड यानी ए ई आई ओ यू वॉवेल जो है कंप्लीट हो जाए। तो हमने आपको ये बताया था कि वॉवेल जो है फाइव होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये फाइव लेटर जो हम लोग अपने अल्फ़ाबेट में से साइड में करते हैं ये हमारे जो होते हैं वो वॉवेल होते हैं। इसके अलावा जो हमारे 21 लेटर और बचते हैं जैसे बी सी डी, फिर एफ जी एच के एल एम एन, तो ये सारे जो हमारे लेटर बचते हैं ये लेटर क्या होते हैं, इनको क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। इन वॉवेल और कॉन्सोनेंट से जो भी वर्ड शुरू होता है, जैसे मान लीजिए कि जो हमारे ए ई आई ओ यू वॉवेल है, इनसे जो वर्ड शुरू होता है उसके सामने ही हम लोग ए एन लगाते हैं, और जो वर्ड्स जो है कॉन्सोनेंट से शुरू होता है जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के, इन सब से जो शुरू होता है, इन सब के जितने हमारे कॉन्सोनेंट 21 है, इन 21 कॉन्सोनेंट से जो वर्ड शुरू होता है उनके सामने जो है हम लोग ए लगाते हैं। लेकिन उससे पहले ए लगता है, जैसे मान लीजिए ये वर्ड है, इसके पहले ए लगता है। तो ये हमने आपको बताया था, लेकिन हमने कहा था कि जब तक हम लोग अपने पूरे साउंड यानी ए ई आई ओ यू ये फाइव साउंड को जब तक हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम लोग यूज ऑफ ए और एन पे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लेकिन इसी को देखते हुए हम जो है इस क्लास को आगे बढ़ाए थे। एक दिन की क्लास में हमने आपको ये पूरा अच्छे से लर्न कराया था और इसका अर्थ बताया था। इसके साथ के साथ हमने जो है यहाँ पीछे जो हमारे वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे ए डी साउंड से, ए एम से, ए जी से, ए एन से दिया हुआ है, ए पी से दिया हुआ है, ए आर से दिया हुआ है, ए टी से दिया हुआ है, इसको हमने पढ़ तो दिया था और पढ़ के आपको बता दिया था लेकिन इसका अर्थ नहीं बताया था। तो इन सब का अर्थ हम बताएंगे आपको, लेकिन अभी जो हमारे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो सबसे पहले हमारे हैं यहाँ पे, इन्हीं को हमको लर्न करना है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में अभी हमारा ये साउंड नहीं आएगा, और इस साउंड को तो हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। हमारा कोर्स जितना है इतना आपको मैंने बहुत पहले ही बता दिया था। तो ये सारी बातों को सुनने के बाद सबसे पहले कि हमारा एग्ज़ाम आ रहा है और उस एग्ज़ाम का रिवीजन हमको करना है, तो उस एग्ज़ाम का रिवीजन हम कैसे करेंगे, यदि हम सिर्फ इसी को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा रिवीजन जो है छूट जाएगा, और जबकि हमारा एग्ज़ाम हमारे पास में धीरे धीरे एक एक दिन उसमें हमारा जो है कम होते जा रहा है। तो हम लोग जो है अपने एग्ज़ाम की रिवीजन को भी साथ ही साथ करते हुए रहेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग जो हमारे साउंड्स हैं इनको भी अच्छे से धीरे 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 करके पढ़ते रहेंगे। तो हमारा जो पीछे जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो भी नहीं भूलेगा, और जो आगे हम लोग को पढ़ना है ये भी हम लोगों को याद रहेगा। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले अपना रिवीजन ही करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। रिवीजन में हमने आपको कई राउंड, कैपिटल लेटर ए टू जेड, स्मॉल लेटर ए टू जेड, फिलिंग द ब्लैंक्स, व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, ये सब कराया है। अभी रिसेंटली हमने आपको होमवर्क में पीडीएफ के थ्रू भेजा है व्हाट कम्स बिफोर। व्हाट कम्स बिफोर को हम लोग अभी सीडब्ल्यू में भी करेंगे, ठीक है।
तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो है अपना व्हाट कम्स बिफोर करते हैं। डब्ल्यू एच ए टी व्हाट सी ओ एम ई एस व्हाट कम्स बी ई एफ ओ आर ई बिफोर व्हाट कम्स बिफोर। अब व्हाट कम्स बिफोर का मतलब होता है जो पहले आता है वो लेटर, कौन सा लेटर, जो लेटर या वर्ड कोई भी हो जो पहले आए उसको हम लोग को बिफोर कहना रहता है, वो बिफोर होता है। ए से लेके जेड तक का बिफोर हम लोग करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेटर बनाएंगे। जैसे ये ब्लॉक को पहला ब्लॉक जो है हम लोग को ऐसे ही खाली छोड़ना है और दूसरा लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी फॉर बॉल, डी फॉर डॉग, F for fish, H for hen, J for jug, L for lion, N for nest, P for parrot, R for rose, T for tiger, V for van, X for Xmas tree, Z for zebra। इस तरीके से आप ध्यान से देख लीजिएगा इसको, इस तरीके से आपको एक स्केल के माध्यम से, स्केल की सहायता से अपनी जो बीच में ये लाइन है इसको पेज जो है इसको डिवाइड करना है। ठीक है, ऐसे आपका पेज दो हिस्से में बट जाएगा, वन इधर और वन साइड इधर। अब जो हमने यहाँ पे मैटर लिखा है व्हाट कम्स बिफोर, ये आपको अपने सी डब्ल्यू की कॉपी में लिखना होगा। आप इसको सी डब्ल्यू की कॉपी में लिखिएगा व्हाट कम्स बिफोर, जबकि इसको हम होमवर्क में आपके भेजें, आपको होमवर्क करना होगा, लेकिन आपके पास दो कॉपी होगी, एक जो होगी वो जो है आपका ये क्लास वर्क की और दूसरी जो है वो होमवर्क की। ठीक है, तो ये जो है सी डब्ल्यू में आप कीजिएगा। फिर व्हाट कम्स बिफोर को करने के लिए ऐसे ही आप अपना पूरा बना लीजिएगा, या आपके घर में कोई पेरेंट्स आपका जो उस समय रहेगा उससे बोलिएगा, वो आपका ये बना देगा। और फिर उसके बाद से आप जो है अपनी पेंसिल के हेल्प से इसको पूरा फिल कीजिएगा। कैसे फिल करना है ये पूरा हमारा ए से लेके जेड तक सिक्वेंस के साथ है, इसी को हमको बी फोर, इसका बी फोर करना है। जैसे बी से पहले क्या आता है ए, डी से पहले क्या आता है सी, एफ से पहले ई, एच से पहले क्या आता है जी, जे से पहले क्या आएगा आई, L से पहले क्या आएगा K, N से पहले क्या आएगा M for monkey, P से पहले O for owl। ठीक है, ऐसे ही आप अपने सी डब्ल्यू के कॉपी में करेंगे, इसलिए हम इसको पूरा अच्छे से आपको दिखा रहे हैं, आप ध्यान से इसको देखते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, आर से पहले क्या आएगा क्यू, टी से पहले क्या आएगा एस, वी से पहले क्या आएगा यू, एक्स से पहले डब्ल्यू, जेड से पहले वाई। यहाँ पे पहले जो हमने आपको बिफोर कराया था वो कुछ कुछ डिस्टेंस पे, यानी कि अलग अलग लेटर रखा था, जैसे ए बी रख दिया, जी एच रख दिया, एम एन रख दिया, एस टी रख दिया, इस तरह से। अभी जो है हमने आपको पूरे सीक्वेंस से ए से लेके जेड तक करा दिया है, ताकि दोनों ही केस में चाहे वो जिस भी तरीके से आपका आपका बिफोर आता है आपके एग्ज़ाम में,
आप उन दोनों तरीकों से उसे कर सके। ठीक है, ये तो हमारे रिवीजन हो गया व्हाट कम्स बिफोर। व्हाट कम्स बिफोर के बाद आता है व्हाट कम्स आफ्टर। और हमारे इस एग्ज़ाम में जो हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट है, हमारा स्मॉल लेटर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन स्मॉल लेटर ज़्यादा नहीं आएगा। स्मॉल लेटर सिर्फ एक वे में ए से लेके जेड तक लिखने के लिए आएगा, और उसके साथ साथ जो है हमारा कैपिटल लेटर में ही सारी चीज़ें आएंगी। जब हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा तो उसमें हमारा कैपिटल लेटर सिर्फ ए से लेके जेड तक लिखने के लिए आएगा, और बाकी की चीज़ें जैसे आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, सर्कल द फर्स्ट लेटर, राइट द फर्स्ट, ये सारी चीज़ें स्मॉल में बदल जाएंगी, ना कि कैपिटल में रहेंगे। तब आप लोग जो है थोड़ा आगे बढ़ जाओगे। तो ये जो है व्हाट कम्स बिफोर के बाद अब हम लिखते हैं व्हाट कम्स आफ्टर। ठीक है, व्हाट कम्स आफ्टर में हम जिगजैग करके देंगे, लेटर एक जैसा सीरीज के साथ नहीं देंगे। और कैसे होगा, और आपके एग्ज़ाम में भी सेम वैसे भी आएगा। यहाँ पे लिखिए डब्ल्यू एच ए टी वॉट सी ओ एम ई एस कम्स आफ्टर ए एफ टी ई आर आफ्टर। आफ्टर मीन्स होता है बाद वाला, बिफोर मीन्स होता है पहले वाला, और आफ्टर मीन्स होता है बाद वाला। ये जैसे यहाँ पे ए है तो ए के बाद कौन सा लेटर आएगा, बी। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि एफ है तो एफ के बाद कौन सा लेटर आएगा, जी। यहाँ पे एल है, एल के बाद कौन सा लेटर आएगा। यहाँ पे पी है, पी के बाद कौन सा लेटर आएगा। यहाँ पे के है तो के बाद क्या आएगा, U है, U के बाद कौन सा लेटर आएगा। X है, X के बाद क्या आएगा। N है, N के बाद क्या आएगा। इस तरीके से जो है हमारा होता है ये आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद वाला, जो लेटर है या जो वर्ड होता है, वर्ड के बाद जो होता है, लेटर के बाद जो स्पेस खाली रहता है उसको फिल करने को हम आफ्टर बोलते हैं। तो हम लोग इस आफ्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे पेंसिल की हेल्प से। ए के बाद क्या आएगा, बी। एफ के बाद क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी। यहाँ पे क्या आया, जी। एल फॉर लॉयन के बाद एम फॉर मंकी। पी फॉर पैरेट के बाद क्या आएगा, क्यू फॉर क्वीन। लिखने का हर तरीका हम आपको बता चुके हैं। पहले तो ये बताए हैं कि आप जो है उस लेटर पे जहाँ बाद में आना है वहाँ पे रखिए और उसको पढ़िए। ए बी, तो ए के बाद बी आया, ए बी सी डी ई एफ जी, तो जी आएगा तो जी भरेंगे। आई जे के एल एम, तो एल के बाद एम आया उसको भरें। एम एन ओ पी, पी के बाद क्या आता है, क्यू, तो क्यू भरें। इस तरीके से दूसरा हमने आपको एक ऑप्शन बताया होगा कि पूरा ए से लेकर जेड तक एक कॉपी में आप लिख सकते हैं। उस कॉपी के थ्रू आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे एल है तो क्या आएगा, पी है तो उसके बाद क्या आएगा, जस्ट उसके बाद वाला। बिफोर भी आप वैसे ही करेंगे, लेकिन उसको आप बार बार नहीं कर सकते हैं। वो तो एक सिंपल सा तरीका हो गया आपका बिफोर और आफ्टर करने का। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ए से लेके जेड तक यदि आपको लर्न है, यदि आपको लेटर की पहचान है, तो आपको आफ्टर, बिफोर, बिटवीन करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि कभी भी लिखते समय आपका लेटर जो है, कैपिटल लेटर जो है, इन थ्री लाइन के पार नहीं आए, मतलब ना तो इस लाइन से ऊपर और ना ही इस लाइन से नीचे आए। यानी लेटर को कितने लाइन में लिखनी है ये बात, लेटर कौन सा है ये बात, और इसको किस तरीके से लिखना है, ये तीन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसको आपको हमेशा अपने पास रखना है, याद रखना है, कभी भी नहीं भूलना है। और कहीं भी किसी भी तरीके का तब आपका एग्ज़ाम होगा आप उसको कर ले जाओगे।
आपका नेक्स्ट लेटर है के, के फॉर काइट, के फॉर काइट के बाद क्या आता है, तो इस पे उंगली लगा करके पढ़ना शुरू कीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, के बाद क्या आया एल, एल फॉर लॉयन, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे एल फॉर लॉयन, यू फॉर एम्ब्रेला है यहाँ पे, तो ऐसे आप पूरा लेटर पढ़ सकते हैं या फिर के से लेके पढ़िए, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, तो यू यहाँ पे है, यू के बाद क्या आया वी, वी फॉर वैन, एक्स, एक्स फॉर एक्समस ट्री, एक्स फॉर क्या होता है एक्समस ट्री, एक्स के बाद कौन सा लेटर आएगा एक्स वाई, वाई फॉर याक, एन फॉर नेस्ट है यहाँ पे, एन फॉर नेस्ट के बाद क्या आता है, पूरा लेटर आप पढ़ सकते हैं या फिर कुछ लेटर को आप पढ़िए, जैसे एम एन ओ, एन के बाद क्या आया ओ, तो यहाँ पे क्या लिखे ओ। ये हो गया आपका रिवीजन क्लास, आज के क्लास में आपका दो रिवीजन हमने कराया है, इन दोनों रिवीजन को आपको अपनी क्लास वर्क की कॉपी में करना है, पहला हमने आपको कराया व्हाट कम्स बिफोर, दूसरा जो है व्हाट कम्स आफ्टर, दोनों को करने का तरीका हमने बताया है, आफ्टर का मतलब होता है बाद वाला और बिफोर का मतलब होता है पहले वाला, ठीक है, आफ्टर का क्या मतलब होता है, आफ्टर का मतलब होता है बाद वाला लेटर, बिफोर का मतलब होता है पहले वाला लेटर, तो आफ्टर और बिफोर तो आपका यहाँ पे हो गया, बच गया आपका व्हाट कम्स बिटवीन, उसी के साथ हम लोग जो है बिटवीन को तो हम लोग आगे की क्लास में करेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ हम लोग जो है ये कुछ वर्ड्स जो हमारे 9 वर्ड्स थे एक बार इनको हम लोग रिवीजन कर लेंगे, ताकि ये वर्ड्स भी हमारे भूले ना, हमको ये हमारा साउंड ऑफ ए था, साउंड ऑफ ए का ये जो वर्ड्स है इसको हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं एम ए टी मैट, कैसे बोलेंगे हम लोग इसको, एम ए टी मैट, आर ए टी रैट, सी ए पी कैप, एफ ए एन फैन, एफ ए टी फैट, बी ए जी बैग, टी ए पी टैप, एम ए एन मैन, सी ए टी कैट, 9 वर्ड्स हैं यहाँ पे, इन 9 वर्ड्स को आज की क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे, और पिछला जो हमारा क्लास हुआ था उसमें हमने कुछ वर्ड्स इस तरीके का आपको लिखने के लिए दिए थे, जो 2 times लिखना था ये भी बताया था हमने, आगे की जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम लोग जो पेज नंबर 12 पे जो वर्ड्स हैं उनको पढ़ेंगे और उसका अर्थ जानेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसी को 2 times लर्न करेंगे, एम ए टी मैट, आर ए टी रैट, सी ए पी कैप, एफ ए एन फैन, एफ ए टी फैट, बी ए जी बैग, टी ए पी टैप, एम ए एन मैन, सी ए टी कैट, इसके अलावा और भी 3 लेटर वर्ड होते हैं, जैसे एच ए टी हैट, बी ए जी बैग, बी ए टी बैट, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं आपके 3 लेटर वर्ड, जैसे कैप है उसी तरीके से हैट है, हैट और कैप दोनों को ही टोपी के रूप में पहनते हैं, लेकिन इसको जो है इसका ये चीज़ आगे होता है इसलिए इसको कैप बोला जाता है, हैट जो होता है पूरा गोल होता है, फिर आपका आता है जैसे ये मैट, मैट मीन्स चटाई, रैट मीन्स चूहा, कैप मीन्स टोपी, फैन मीन्स पंखा, फैट मीन्स मोटा, बैग मीन्स बैग यानी बस्ता जिसमें आप अपना बुक कॉपी या रख के ले आते हैं, टी ए पी टैप मीन्स नल, मैन मीन्स आदमी, और कैट मीन्स बिल्ली, रैट मीन्स चूहा होता है, तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स जिनको हम लोगों को पढ़ना होता है, और जो हमारे ए साउंड्स हैं, अभी आपको सिर्फ 3 लेटर वर्ड ही पढ़ने की ज़रूरत है, आप इसी पेज को, पेज नंबर 11 को बार बार रिवीजन कीजिए जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हो जाते हैं, और उसमें जो भी पीछे हम पढ़ाएंगे इसे पढ़िएगा, और जो उसके साथ साथ जो रिवीजन आपका चल रहा है उस रिवीजन को तो आपको करना ही करना है, अपने हर रिवीजन को आप होमवर्क की कॉपी में 1 time 2 times ज़रूर लिखिए, ताकि आपका कोई भी चीज़ जो है वो छूट ना जाए और आप कहीं हर बच्चे से पीछे ना रह जाएँ, ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का ये क्लास जो है यहीं पे फिनिश होता है,
और नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।